हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्तिका कर रही है मस्ती, और ये थी मस्ती के मूड में। तो गाइस, दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर के 12 बजने को आ गए थे, और वर्तिका जो है स्कूल से आ गई थी, वो कर रही थी मेरे साथ मस्ती। ये मैंने इनके लिए डोरेमोन मास्क बनाया था, क्योंकि इनको स्कूल में लेके जाना था, जिसे इन्होंने पूरा स्कूल से लौटने के बाद पूरा फाड़ दिया है। और यहाँ ये अपने डॉगी के साथ खेल रही है, इनको डॉगी बहुत पसंद है खेलने में। ये इसके कुछ डॉगीज़ हैं, डॉगी है, कैट है, टाइगर है, ये सब इनके पास है, ये बस उन्हीं से खेला करती हैं। यहाँ मेरे साथ मस्ती कर रही थी, तो मैंने कहा क्यों मस्ती के मूड में आप लोग के लिए भी वीडियो शेयर करूँ मैं। तो यहाँ पर मैं इसके साथ मस्ती कर रही थी। बहुत ही सुंदर मास्क मैंने इसके लिए बनाया था, लेकिन स्कूल से लौटते समय मैं बेचारा ये आधा ही रह गया, ये फाड़ कर बराबर कर दी। और ये जब गया था तो बहुत अच्छा था, इनके टीचर ने इनको स्टार दिया था इनके मास्क को देखकर। और आज इनके स्कूल में डोरेमोन डे सेलिब्रेट किया गया था, तो यहाँ ये मस्ती कर रही थी। तो वही मैं इनसे पूछ रही थी कि आप क्या कर रही हो, और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ गाइस, क्योंकि और भी लोग बात कर रहे थे तो उनकी आवाज़ आ रही थी, इसीलिए मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। और दोपहर का टाइम था, अभी मेरा खाना वगैरह जो है नहीं बना है, और मुझे अभी बनाना है। तो अभी ये जस्ट स्कूल से आई है, मैंने इनके कपड़े वगैरह चेंज किए हैं, तो थोड़ा सा चैन से बातें बातें कर लूँ, फिर खाना बनाती हूँ। क्योंकि एकदम से बच्चों को साथ तो मतलब आने के बाद उनको अकेला छोड़ दो तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता। सुबह हम स्कूल जाते हैं, फिर मम से लौटने के बाद थोड़ा समय भी नहीं देती, तो ये अभी स्कूल से आई थी तो मैं थोड़ा सा समय इसको देती हूँ। स्कूल से लौटने के बाद इनके संग बैठती हूँ, उनके स्कूल के बारे में पूछती हूँ, स्कूल में सब कैसा था, मैडम कैसी थी, फन की डायरी चेक करती हूँ, होमवर्क चेक करती हूँ, कराती बात शाम को हूँ लेकिन दिन में चेक करती हूँ। ये पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, पीछे की तरफ रखा हुआ था वैक्यूम क्लीनर, तो इससे सोफे वगैरह क्लीन किए गए थे तो पीछे रखा हुआ है, इसको रखना था, उठा के मैं रखना भूल गई हूँ, अभी रख दूँगी। और यहाँ पर वर्तिका जो है मस्ती कर रही हैं, आप लोग देख सकते हैं गाइस, और प्यार दिखा रही हैं, कह रही थी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, तो वो मस्ती के मूड में थी। यहाँ पर अपने डॉगी को दिखा रही हैं, और उसने जो कपड़े पहन रखे वो उसे बहुत पसंद है। और गाइस, यहाँ पर देखिए वो आप लोगों को अभी दिखाएगी कि उसको उसकी ड्रेस कैसी लग रही है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, उसने स्कर्ट पहन रखी है, ब्लू कलर का टॉप पहन रखा है, वो उसे बहुत पसंद है तो उसने वही पहन रखा है। और हमारा शाम को प्लान था मंदिर जाने का, तो हमने सोचा शाम को मंदिर चलेंगे, तो बस घर का काम निपटाने के बाद खाना वाना खाया, फिर आराम वगैरह करा, फिर हम लोग मंदिर के लिए निकल गए थे। बीच का वीडियो मैं नहीं ले पाई थी गाइस, मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, मैं बच्चों के साथ गई हुई थी मंदिर। और हम लोग जब निकले थे तब मौसम इतना ख़राब नहीं था, लेकिन मंदिर पहुंचते ही वहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी थी। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ गाइस, लगभग 2 घंटा कंटिन्यूस बारिश हुई थी वहाँ पर। तो यहाँ देख सकते हैं मार्केट में कितनी तेज़ बारिश हो रही है, हम लोग मंदिर के अंदर ही बैठे रहे थे काफ़ी देर तक बच्चों के साथ में, तो बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी टाइम बाद बारिश इस तरीके से पास से देखी, ये आप लोग देख सकते हैं पीछे की तरफ मंदिर, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर, यहाँ शौर्य बैठा हुआ है मेरे इस बगल में, क्योंकि बारिश तेज़ थी तो मैंने बच्चों के साथ थोड़ी देर मंदिर में बैठी थी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में।